The next medicine is Allium Sepa for onion. लिलियसी फैमिली की है तो हम लोग सब लोग जानते ही हैं. तो एलियम सिपा इज बेसिकली जो हम लोग घर पे प्याज यूज करते हैं वही है. तो जो प्याज होता है, अनियन होता है, उसके अंदर जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो क्या होता है? सल्फर. सल्फर जब काटते हैं तो उसकी जो फ्यूम्स लगती हैं, आंखों से आंसू आता है ना, इसी तरह से सिम्टम्स भी अनियन प्रोड्यूस करता है. इसी तरह की सिम्टम्स भी एलियम सिपा प्रोड्यूस करता है. तो किस तरह के कॉन्स्टिट्यूशंस में काम आता है? सबसे पहले एक फिजिकल हम अगर बात करते हैं तो एक्यूट कैटरल इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन्स. एक्यूट कैटरल इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन्स विद इंक्रीज्ड सीक्रीशन. होता है ना, प्याज काटो तो क्या होता है? आंखों में लगता है तो आंखों से आंसू आते हैं, नाक में लगता है तो नाक से नाक आती है. होता है क्यों? क्योंकि सल्फर फ्यूम लगती है, वहां पे इरिटेशन होता है, इरिटेशन के बाद इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फ्लेमेशन के बाद क्या होता है? प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग स्टार्ट होती है. इस प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग जो मैथमेटिकली हम लोगों ने पढ़ी है कि सोरा में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होता ही है डिफेंस मैकेनिज्म की तरह से, तो क्लीनिंग स्टार्ट होती है. इसके लिए क्या करती है? म्यूकस मेम्ब्रेन में एक्सेसिव सीक्रेशन होता है पतले थिन डिस्चार्ज का. ठीक है, तो ये चीज एलियम सिपा का एक प्रोमिनेंट सिम्टम फ्रॉम ऑल द म्यूकस मेम्ब्रेन्स, स्पेशली नोज एंड आईज. With bad effects of getting wet, just like Rustox. Bad effects of getting wet. ठीक है? Bad effects from getting wet, like Rustox. अब अगर हेड में देखते हैं तो उसमें क्या है? कैटरल डल हेडेक. देखिए कैटरल जरूर लगा होगा. अब म्यूकस मेम्ब्रेन वहां पे अंदर है कि नहीं है? ब्रेन में. वहां क्या है? सीरस मेम्ब्रेन. तो ये कैटरल डल हेडेक का मतलब जुकाम की वजह से होने वाला दर्द. तो इसमें ब्रेन की मेम्ब्रेन का कोई काम नहीं. काम किसका है? स्लेम्स मेम्ब्रेन का, नोज की मेम्ब्रेन का. उसकी वजह से जो हेडेक होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं कैटरल. लेकिन ये डल हेडेक है, बहुत तेज हेडेक नहीं है. कैटरल डल हेडेक विद कोराइजा विच इज एग्रेवेटेड इन द इवनिंग. शाम के समय बढ़ जाते हैं. क्यों शाम के समय बढ़ जाते हैं? क्योंकि शाम को नॉर्मल से टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है, कूल हो जाता है. ठीक है. एंड एम्यूलेशन इन ओपन एयर. एम्यूलेशन इन ओपन एयर. एग्रवेशन ऑन रिटर्निंग इन अ वार्म रूम. अब देखिए चिली मेडिसिन है, कोल्ड से प्रॉब्लम बढ़ रही है, फिर भी रूम के अंदर में प्रॉब्लम है. ये कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्टम है तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप याद रखिए. ओपन एयर में रिलैक्स है, आराम है, और वार्म रूम के अंदर इसमें एग्रवेशन है. इसको हम कंपेयर कर सकते हैं यूफ्रेशिया से और पल्स से. पल्स में तो एक्सेसिव डिजायर फॉर ओपन एयर है, तो बिल्कुल कमरे में रह ही नहीं सकती. अगर कमरे में होगी तो उसको एक स्मॉदरिंग फीलिंग होने लगती है, उसको सांस फूलने लगती है ना. हेडेक, हेडेक कीजेस ड्यूरिंग मेंसेस. तो ये सिम्टम कहां मिलेगा और कब मिलेगा ये बताइए. हेडेक eases during menses. कब मिलेगा ये सिम्टम? तब मिलेगा जब हमारे ब्रेन में कंजेशन होगा. क्योंकि कहीं से भी ब्लड का डिस्चार्ज हो रहा है तो कंजेशन कम हो रहा है. इसके अलावा कोई और वो नहीं है. ठीक है. हेडेक कीजेस ड्यूरिंग menses एंड रिटर्न when द फ्लो disappears. जैसे ही फ्लो बंद हुआ तुरंत वापस आ गया. ऐसे हम लोग दो मेडिसिन पढ़ चुके हैं ना, जिंकम लैकेसिस, जस्ट अपोजिट टू द एक्टियर एसिमोसा और सिमसिट्रूगा. कैटरल डल हेडेक होता है. ठीक है. तो अब देखिए आईज के सिम्टम है. इसके अंदर क्या है? आईज में बर्निंग है, इचिंग है, बाइटिंग है, स्मार्टिंग है, जैसे धुआं हुआ लग रहा हो, है ना. मस्ट रब देम, खूब खुजा खुजा के लाल कर लेता है. वॉटरी है, सफ्यूज्ड लाल हो जाना, रेड कैपिलरीज दिखाई देने लगना, कैपिलरीज इंजेक्टेड, एंड एक्सेसिव लैक्रिमेशन. ठीक है. हम लोग अब तक क्या पढ़ते आए हैं? इससे ज्यादा हमने कभी याद भी नहीं किया. क्या नाक से बहता है तो बहुत
एक्रेड और होता है, और आंख से बहता तो ब्लेंड होता है, तो एल्यूम सी बाकी आंखों में कोई दिक्कत नहीं होती है, नाक में दिक्कत होती है, ये तो पढ़ते हैं हम लोग जस्ट अपोजिट टू द यूफ्रेसिया, ये हमारे गुरु लोग पढ़ाते थे। पर एग्जैक्टली अगर हम पढ़े तो क्या है, देखिए कितनी जबरदस्त प्रॉब्लम है आंखों में, वो सब कुछ है, खुजली भी है, जलन भी है, चुभन भी है, ड्राइनेस भी है, स्मार्टिंग भी है, सफ्यूज्ड भी है, कैपिलरीज इंजेक्टेड भी है, मस्ट रब देम, एक्सेसिव वॉटरी, मतलब सब कुछ है, आंखें लाल भी हो रही हैं, आंसू भी निकल रहा है। नाक की तो बात बाद में आएगी, लेकिन आंख का सिम्टम कितना इंपॉर्टेंट है। तो कभी भी ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अगर आंख में प्रॉब्लम है तो एलियम सिपा नहीं दी जाएगी, उतनी ही पावरफुली एक्ट करती है म्यूकस मेम्ब्रेन्स पे जितनी यूफ्रेशिया। नेक्स्ट इज नोज, सबसे मेन जगह इसकी नोज ही है। क्या है नोज में? स्प्रिंग कोराइजा आफ्टर डैम्प नॉर्थ वेस्टर्न विंड्स, डैम्प विंड्स, डैम्प विंड्स, ठीक है। हम लोग क्या डैम्प विंड कब चलती है? हम लोगों ने क्या पढ़ा? नॉर्थ वेस्टर्न विंड, ये जहां एलेंस लिखी गई, जहां किताबें लिखी गई, वहां का नॉर्थ वेस्टर्न और हमारे यहाँ के नॉर्थ वेस्टर्न में डिफरेंस है। तो कहीं भी अगर इस तरह का कोई वर्ड आता है नॉर्थ वेस्टर्न, तो आप अपने देश के हिसाब से नॉर्थ वेस्टर्न नहीं सोचेंगे, आप सोचेंगे कि उन्होंने क्या भाव लिया, क्या फीलिंग क्या ली है। उन्होंने फीलिंग ली है डैम, ड्राई नहीं है, उन्होंने फीलिंग ली है डैम। तो हमें मतलब सिर्फ डैम्पनेस से होना चाहिए, हमारे यहाँ जब पुरवाई हवा चलती है तब डैम्पनेस होती है, होता है ना। तो ये चीज इसमें इंपॉर्टेंट है कि स्प्रिंग कोराइजा आफ्टर डैम्प नॉर्थर्ली विंड्स। अब इन्होंने स्प्रिंग कोराइजा बोला, स्प्रिंग कब होती है हमारे यहाँ? मार्च के आसपास, मार्च के आसपास होती है, उस समय तो लेकिन डैम्पनेस नहीं होती। तो इसीलिए एलियम सिपा इधर भी और उधर भी दोनों में कवर करती है, क्योंकि जहां ये किताब लिखी गई होगी वहां पे इतने मौसम नहीं रहे होंगे। यहाँ तो कितने मौसम है, सर्दी है, गर्मी है, बरसात है, और ऑटम है, और स्प्रिंग है, सब है ना। तो यहाँ इतना जितना मौसम का वेरिएशन हमारे भारत में है, इतना कहीं दूसरी जगह नहीं है। तो जहां भी ये किताबें लिखी गई हैं वहां पे ज्यादातर कोल्ड वेदर रहा है, ठीक है ना, या एक जैसा लगभग मौसम रहा है। तो इसीलिए हम लोग अपने देश के हिसाब से अगर सोचें तो इसमें ये इधर अक्टूबर नवंबर जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर में भी काम आएगी, और उधर आपका मार्च अप्रैल में भी काम आएगी, ठीक है। अब कोराइजा किस तरह का है? प्रोफ्यूज है, वॉटरी एंड एक्रिड नेजल डिस्चार्ज, प्रोफ्यूज वॉटरी एक्रिड नेजल डिस्चार्ज विद प्रोफ्यूज ब्लेंड लेक्रिमेशन, प्रोफ्यूज फुल ऑफ एक्रिड टीयर्स, ब्लेंड एंड फ्लुएंट कोराइजा यूफ्रेशिया। आंख से भी आ रही है, नाक से भी आ रही है। अगर आंख से आने वाला डिस्चार्ज ब्लेंड है, नाक का डिस्चार्ज एक्रिड है, एक्रिड मतलब, एक्रिड का मतलब एक्रिड इज नॉट टू द नोज, एक्रिड इज टू द अपर लिप, और वेयर द डिस्चार्ज इज टचिंग, ठीक है, तो एलियम सिपा, और जस्ट अपोजिट है तो यूफ्रेशिया। अगर दोनों प्रॉपरली एक्रिड हैं, आर्सेनिक एल्बम, ठीक है, अगर बहुत ज्यादा मतलब हॉट है और एक्रिड भी है, एक्रिड के साथ हॉट है, आर्स आयोड, आर्स आयोड, यस, ठीक है। डिस्चार्ज बर्न्स एंड कॉरोड्स नोज एंड अपर लिप, इतना ही डिस्चार्ज एक्रिड एक और मेडिसिन का होता है, एरम ट्रेफायलम, ठीक है। एक्रिड वॉटरी डिस्चार्ज ड्रॉपिंग फ्रॉम टिप ऑफ द नोज, आर्सेनिक एंड आर्सायोड, टिप ऑफ द नोज, इतना ज्यादा डिस्चार्ज है, यहां से अंदर से आएगा, यहां से टप टप टपकेगा। हेमरॉइडल ऑफ चिल्ड्रन, स्पेशली ऑफ चिल्ड्रन, एग्रवेशन सिटिंग, एम्यूलेशन मूविंग अबाउट, अगर बैठा हुआ है तो पेट में दर्द है, और मूविंग अबाउट है तो ठीक।
यही पेट में दर्द, अगर क्रैम्पिंग है, बहुत ज्यादा क्रैम्पिंग है और अम्यूलेशन फ्रॉम बेंडिंग फॉरवर्ड है, द मेडिसिन इज कोलोसिन एंड चाइना एंड मैगफॉस। ठीक है, कोलोसिन, चाइना एंड मैगफॉस। जस्ट अपोजिट कंडीशन अगर आती है, पीछे की साइड झुकने से आराम मिलता है, द मेडिसिन इज डायोस्कोरिया। ठीक है, अब आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सिर्फ एक ही सिम्टम इन्होंने दिया हुआ है, वो है फ्लेबाइटिस आफ्टर फोर्सेप्स डिलीवरी। फोर्सेप्स डिलीवरी के बाद अगर फ्लेबाइटिस होती है, प्यूरपरल स्पेशली, ठीक है ना। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, इसके अंदर देखिए हे फीवर, एलियम सिपा में हे फीवर बहुत वो है। हे फीवर क्या होता है? यस, हे फीवर इज एलर्जिक राइनाइटिस। इसका नाम क्यों दिया गया है हे फीवर? हे का मतलब क्या होता है? हे मींस भूस। डू यू नो भूस? भैंस खाती है, गाय खाती है, जो जिससे सानी बनाई जाती है, येलो कलर का छोटा छोटा जो गेहूं के पीछे का जो हिस्सा होता है उसको कट करके बनाया जाता है, दैट्स कॉल्ड एज भूस। उसके अंदर जो डस्ट होती है ना, उससे सबसे ज्यादा एलर्जी, वो सबसे ज्यादा एलर्जी होती है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है हे फीवर। ठीक है, हे फीवर क्योंकि उन लोगों में होता था, जो जब गेहूं निकाला जाता है, जब उसको थ्रेशर किया जाता है, तो उस समय बहुत धूल उड़ती है। हाँ, बहुत धूल उड़ती है, तो उस समय जिन लोगों को प्रॉब्लम होती थी, सर्दी खांसी जुकाम छींक ये सब हो जाता था, तब उसको हे कहते थे कि हे की वजह से हुआ है, तो उसको बुखार आ गया, हे का बुखार आ गया, दैट्स कॉल्ड एज हे फीवर इन अगस्त एवरी ईयर। अब इन्होंने कहा इन अगस्त एवरी ईयर, इस चीज को आप भूल जाइए, क्योंकि जहां ये किताब लिखी गई वहां अगस्त में कैसा मौसम रहता था अलग चीज। ठीक है, क्योंकि मौसम अपने हिसाब से आते हैं, ईयर और मंथ्स हमने बनाए हैं। अगर यहां पे स्प्रिंग मार्च में आता है तो जरूरी नहीं है कि जर्मनी में स्प्रिंग मार्च में ही आएगा, वहां स्प्रिंग का समय अगस्त या कोई और हो, तो वो वेदर की वजह से, क्योंकि स्प्रिंग आता है नेचुरल इन्वायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से, ना कि मंथ देख के। ठीक है ना, तो इसीलिए हम मंथ भूल जाएंगे, सिर्फ देखना क्या है, हे फीवर। वॉयलेंट स्नीजिंग ऑन राइजिंग फ्रॉम बेड, जैसे ही उठा तुरंत एकदम उसको छींके चालू हो गई। दिस इज कॉल्ड एज ऑल्सो कॉल्ड एज मॉर्निंग कोराइजा, दिस हे फीवर, दिस इज हे फीवर, इट इज एलर्जिक। ठीक है, लेकिन अगर उठते ही हो रहा है तो मॉर्निंग कोराइजा, मॉर्निंग कोराइजा की भी फर्स्ट ग्रेड की मेडिसिन है एलियम सिपा। मॉर्निंग कोराइजा में और भी बहुत अच्छी मेडिसिन दी हुई है, कुछ मेडिसिन और कुछ स्पेसिफिक कंडीशन है जिसकी ये एक फीचर है, प्रोमिनेंट फीचर है। मोस्ट प्रोबेबल जो पॉलिपस है, नेजल पॉलिपस, उसके केस में ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट को उठते ही छींके आती हैं, जैसे वो उठेगा तुरंत छींके स्टार्ट हो जाएंगे। अदर अदर कंडीशन इज डीएनएस, डेविलेटेड नेजल सेप्टम, इस केस में भी यही होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज कोल्ड एलर्जी और एलर्जी टाइप ऑफ एलर्जी। ठीक है, तब उन लोग के पास कई सारी मेडिसिन ऐसी हैं जिसमें बहुत प्रोमिनेंट है, दो चार बहुत ही स्पेसिफिक है जो मैं आपको बता दे रहा हूँ। द फर्स्ट मेडिसिन एंड फॉरमोस्ट इज नक्स वोमिका, उठते ही छींके आना स्टार्ट हो जाती है, नक्स वोमिका। ठीक है, द अदर मेडिसिन इज अमोनियम फॉस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन ऑफ फॉर मॉर्निंग कोराइजा, अ लिटिल बिट रेयर बट एक्ट्स वॉलेंटली। ठीक है, सेंगोनेरिया वेरी स्पेसिफिक फॉर स्नीजिंग, किसी को आ रही है रुकी नहीं रही है, जस्ट गिव सेंगोनेरिया 200 सिंगल डोज, धड़ाक से रुक जाएगी। सर एक बार में कई बार आती है। सेंगोनेरिया नाइट्रिकम, लेमना माइनर एंड ब्रायोनियम। ठीक है, दीज आर मेडिसिन फॉर मॉर्निंग कोराइजा, दीज आर मेडिसिन फॉर मॉर्निंग कोराइजा। तो हे फीवर की जब हम बात कर रहे थे, तो हे फीवर में एक और मेडिसिन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रोमिनेंट है, सबडिलाल। ठीक है, जस्ट लाइक आर्सेनिक एल्बम, इसके भी सारे डिस्चार्ज में खुजली है, एक जो प्रोमिनेंट, एक जो हे फीवर का एक प्रॉपर पिक्चर बनती है सबडिला, उसकी बहुत अच्छी मेडिसिन है। ठीक है, फ्रॉम हैंडलिंग पीचेस, पीचेस क्या होते हैं? रूट होते आड़ू। हाँ यस, ठीक है ना, पीच।
उसको पकड़ने की वजह, उसकी भी एलर्जी होती है, उसको छूने भर से उसको प्रॉब्लम हो जाती है, कैटरल लेरिंजाइटिस। नेक्स्ट इज कैटरल लेरिंजाइटिस। देखिए खांसी एलियम सिपा में अगर है तो बड़ी भयंकर तरीके की है, इतनी लेरिंजाइटिस में इतनी प्रॉब्लम है, कफ जो कफ है कंपेल्स द पेशेंट टू ग्रेस्प द थ्रोट, खांसते समय इतनी तेज उसको ऐसा लगा गला फट जाएगा, पकड़ना पड़ता उसको, फटना चाहते इतनी तेज उसको खांसी है। कफ कंपेल्स पेशेंट टू ग्रेस्प द लैरिंग्स, सीम्स एज इफ कफ वुड टियर इट, उसे ऐसा लगता है कि जो खांसी है वो इसको फाड़ देगी। सेम अगर सर में लगता है, सेंसेशन एज इफ हेड वुड टॉर्न वाइल कफिंग, द मेडिसिन इज बेलाडोना एंड कैप्सिकम। सेम कंडीशन अगर चेस्ट में लगती है, द मेडिसिन इज ब्रायनिया। ठीक है, तो याद रखिए इस चीज को। नाउ एक्सट्रीमिटीज, एक्सट्रीमिटीज में है आप जानते हैं एलियम सिपा इज अ वेरी गुड मेडिसिन फॉर शू बाइट, शू बाइट। तो या तो शू बाइट की वजह से, या फिर जैसे कुछ लोग परिक्रमा लगाते हैं, याद है आप लोगों को, पता है ना भाई परिक्रमा लगती है हम लोग के देश में, तो परिक्रमा के बाद जो पैरों में छाले हो जाते हैं, या फिर कड़े या टाइट जूते पहनने की वजह से पैरों में छाले हो जाते हैं, उन दोनों ही केसेस में एलियम सिपा बहुत जबरदस्त काम करती है। नेक्स्ट इज पेनारिशिया। पेनारिशिया क्या होता है? पेनारिशिया, यस, नेल बेड का इन्फेक्शन। पेरोनाइकिया इज अराउंड द नेल बेड। ठीक है, देखिए पेनारिशिया एक कंडीशन है, पेनारिशिया एक कंडीशन है जिसमें रेड कलर की स्ट्रिक्स ऊपर की साइड जाती हैं। एक न्यूरोलॉजिक कंडीशन है पेनारिशिया। पेन्स इतने भयंकर है कि पेन्स ड्राइव टू डिस्पेयर स्पेशली इन चाइल्ड बेड। अब आते हैं नर्वस सिस्टम में। नर्वस सिस्टम में क्या है? न्यूरोलॉजिक पेन्स। किस तरह के न्यूरोलॉजिक पेन्स है? लाइक अ लॉन्ग थ्रेड। न्यूरोलॉजिक पेन्स लाइक अ लॉन्ग थ्रेड स्पेशली इन फेस, हेड, नेक, चेस्ट। न्यूरोलॉजिक पेन्स जहां कहीं भी है वहां पे हाइपेरिकम इज ऑल्सो वेरी गुड मेडिसिन। न्यूरोलॉजिक पेन्स हाइपेरिकम इज ऑल्सो वेरी गुड मेडिसिन। नेक्स्ट है चोट लगने की वजह से अगर कोई प्रॉब्लम आती है, न्यूराइटिस हो जाती है, ट्रॉमेटिक न्यूराइटिस। न्यूराइटिस तो बहुत जगह हो जाती है, कंप्रेशन की वजह से भी हो जाती है, लेकिन ट्रॉमेटिक चोट लगने की वजह से न्यूराइटिस है, स्पेशली जहां कट गया है, जहां नर्व कट गई है, ट्रॉमेटिक न्यूराइटिस। और क्रोनिक है, ट्रॉमेटिक क्रोनिक न्यूराइटिस, न्यूरलजी ऑफ स्टंप आफ्टर एम्पुटेशन। किसी वजह से उंगली, हाथ, पैर, पंजा, शरीर का एक्सट्रीमिटीज का कोई पार्ट जब काटा जाता है उसे हम लोग बोलते हैं, उस कटे हुए पार्ट को क्या बोलते हैं? स्टंप। स्टंप जो बचा हुआ पार्ट है दैट्स कॉल्ड ए स्टंप। तो उस स्टंप के अंदर जो है, चूंकि नर्व्स कटी होती, नर्व्स भी कटी होती हैं, तो उसमें पूरा पूरा कभी कभी दर्द होता है बहुत भयंकर। ठीक है, तो वो जो स्टंप का एम्पुटेशन के बाद जो स्टंप जो पार्ट रिमेनिंग है एक्सट्रीमिटी का, उसमें जो भयंकर पेन होता है न्यूरलजिक, लॉन्ग थ्रेड स्टाइल में उसके तरीके से मेडिसिन इज एलियम सिपा। ऑल्सो हाइपेरिकम इज ऑल्सो वेरी गुड मेडिसिन फॉर दैट कंडीशन। अगर लार्ज एब्सेस है, लार्ज एब्सेस है, उसकी वजह से इतना भयंकर पेन हो रहा है, तो मेडिसिन आर ब्यूफो एंड टेरेंटुला क्यूब, क्यूब टेरेंटुला क्यूब। तो इसमें किस तरह के पेन्स है? बर्निंग एंड स्टिंगिंग पेन्स। मोडलिटीज में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वार्म रूम में प्रॉब्लम है, इवनिंग के टाइम में प्रॉब्लम है। ठीक है, और अम्यूलेशन में कैसा है? इन कोल्ड रूम, ठंडे रूम में है और ओपन एयर में। रिलेशंस में कॉम्प्लीमेंट्री है ये फॉस्फोरस, पल्स एंड थूजा का।
कंपैटिबल है बिफोर कैल्केरिया एंड साइलिशिया इन पॉलिपस नेजल पॉलिप में एंड सिमिलर टू यूफ्रेशिया बट कुराइजा इज अपोजिट कुराइजा लैक्रिमेशन इज अपोजिट है इसका.